This is a very controversial and I think a very asked question. How do your parents react when Veronica wears short clothes because of Indian culture? What's up guys? Hello everyone. And welcome back to another video. So, मैंने अपने Instagram पे Q&A की post डाली थी 2-3 दिन पहले and बहुत सारे question आए थे. तो मैंने सोचा कि एक मम्मी पापा के साथ Q&A बनाते हैं क्योंकि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो. Yeah, we are not meeting all together so often, so we thought it would be a good occasion to make this Q&A for you guys. So we selected like, I don't know, Veronica selected the question. मैंने अभी तक पढ़े भी नहीं है, तो देखते हैं कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एंड आज मम्मी पापा के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. Yeah, so only I know the questions, they don't. Yeah, no one knows besides. So अभी तक आपने भी नहीं पढ़े क्वेश्चन किसी ने? मैं किसी ने भी नहीं पढ़े हैं, हमने क्वेश्चंस सिर्फ वेरोनिका ने चूज करे हैं. So I just wanted to say that this will be very interesting because some of them may be a little bit controversial, but I know many of you guys wanted to know these things. So yeah, let's start. Let's get started. तो पहला क्वेश्चन है, what is your father's profession? आपका काम पूछा है कि आप क्या काम करते हो? मेरा सीट मेटल का बिजनेस है, मेटल फैब्रिकेशन के पार्ट्स वगैरह बनाता हूँ. बेसिकली मेटल फैब्रिकेशन हो गया. हाँ, मेटल लेजर कटिंग, सीएनसी लेजर कटिंग, सीएनसी लेजर कटिंग्स. जिन भी लोगों को मेटल बिजनेस की थोड़ी नॉलेज है उनको पता होगा. तो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाउ योर पेरेंट्स डेल्ट विद रिलेटिव्स व्हेन दे वर आस्किंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड. तो ये बेसिकली क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे मतलब रिश्तेदार वगैरह हैं उनका क्या रिएक्शन था, उनके साथ कैसे डील किया आप लोगों ने? हाँ, होती है थोड़ी क्यूरियोसिटी लोगों की, भाई फॉरनर है कैसे हमारे फैमिली है, क्योंकि हमारी टिपिकल मतलब थोड़ा सा बनिया फैमिली है तो थोड़ा हमारी फैमिली में कैसे एडजस्ट होगी, कैसे एडजस्ट होगी. लेकिन उन बातों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो नहीं थी, पर लोगों को थोड़ी थी, लेकिन हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं. लेकिन हम वेरोनिका से मिल चुके थे, दो तीन बार ही पहले मिल चुके थे, तो हमें इतना अच्छा लगा इसका नेचर और सब चीजें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऑल इन ऑल कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई भी ऐसा खास कोई किसी रिलेटिव को भी दिक्कत नहीं थी, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स डू यू मीट योर पेरेंट्स इन अ ईयर? यू आर सच अ क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है. मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम हैंडल पता नहीं है, बट मैं इंडिया काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ. आई थिंक अराउंड साल में 3-4 बार हो ही जाता है, अगर नाना करते भी साल में 3 बार. तो 3 बार तो मिनिमम है. हाँ, मिनिमम है 3 times, तो उससे ज़्यादा भी आ ही जाता है. बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाने के बाद इंडिया मतलब कभी वापस आते हैं, बट मुझे इंडिया आके भी बहुत अच्छा लगता है. तो मैं तो I come like twice. Yeah, so, and usually you go once without me. Also. Yeah, so at least 3 times a year I go to India. This is a very controversial and I think a very asked question. How do your parents react when Veronica wears short clothes because of Indian culture? तो वो कह रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन था, मतलब जब क्योंकि वेरोनिका वेस्टर्न है और हमारे इंडिया में इतने छोटे कपड़े नहीं पहनते लोग, तो मतलब आप लोगों की क्या रिएक्शन था? नॉर्मल, ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए. और ये अच्छा, जैसा जिसको लाइक है वो वैसा पहने, और आप सबको अच्छी नज़र से देखोगे तो आपके लिए सब बात ईजी है. और आपका आपको क्या लगता है? मुझे किसी तरह से कोई दिक्कत कभी हुई नहीं. मुझे तो मतलब नॉर्मल ही लगती है सारी चीजें मुझे. यही बात है कि आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, सोच आपको ऊंची रखनी पड़ेगी. आप अपना नजरिया देखो बस. तो हमारे घर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक आई नो बहुत सारे इंडियन कल्चर में होती है चीजें, बट आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. हमारे तुम्हारे दादा वादा ने भी कभी कोई हमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन रखी नहीं. तो हमारे मतलब फैमिली में पुराने टाइम से ही ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लोथिंग पे. हमें कभी लगा भी नहीं अंदर, कभी मेंटली वो भी लगा भी नहीं, लगा भी नहीं दिमाग से कि ऐसा कुछ है छोटे बड़े कपड़ों में कभी, क्योंकि हमें शूज ऐसा मालूम है. I think we have a lot of understanding for each other and a lot of acceptance in our family, because maybe there are things that I don't understand or my Indian family doesn't understand, but we complement each other. Yeah, so. Exactly. Next question is, what do you think about daughter-in-law? आपको वेरोनिका कैसी लगती है? मुझे तो बहुत प्यारी लगती है. I love her. बहुत ही अच्छी लगती है. बहुत प्यारी बच्ची है और नेचर बहुत अच्छा है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स टू पोलैंड? लव टू सी देम. एक्चुअली मैं उनको पोलैंड घुमा चुका हूँ. आई थिंक उस टाइम पे यूट्यूब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लोगों को पता नहीं है, बट वो ऑलरेडी एक महीना पोलैंड, महीना हम पोलैंड रुक के आए थे, फुल एंजॉय किया था,
और ईशान ने पूरा पोलैंड घुमाया था, ईशान और वेरोनिका ने काफी, मतलब हमने और भी जगह गए थे, इटली में आपने इटली पिज़्ज़ा खिला के लाया था, इटली अमाल्फी गए थे, और इटली में कौन सी जगह थी वो, नेपल पिज़्ज़ा, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट पिज़्ज़ा खिलाने गया था मैं स्पेशली इटली। तो मतलब फिर आपको अभी तक आपने भी काफी सारी कंट्री विजिट करी है, तो मतलब पोलैंड आपको कैसा लगा था जब आप आए थे? मुझे तो सबसे अच्छा अभी तक जहाँ भी घूम, मैं अमेरिका भी गया हूँ, चाइना भी गया हूँ, और दुबई भी मैं आया हुआ हूँ, हांगकांग भी गया हूँ, और काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन मुझे पोलैंड सबसे, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप कहाँ रहोगे तो मैं पोलैंड ही कहना चाहूँगा कि पोलैंड ही रहूँगा। इतनी साफ़ सुथरी कंट्री है, इतनी साफ़ सुथरी, मतलब आप रहने के लिए नंबर वन है, और चीप एंड बेस्ट। Yeah, this is like explanation in one word. It's cheap and it's best. तो पोलैंड घूम चुके हैं एंड बहुत ही जल्दी फिर से मैं प्लान करूंगा, क्योंकि एज यू नो बिजनेस में इतना ईजी नहीं होता इतने टाइम के लिए बहुत बार जाना, बट बहुत ही जल्दी मैं मम्मी पापा को फिर से बुलाऊंगा पोलैंड एंड एक पूरी फिर से सीरीज बनाएंगे पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल यू कम टू दिल्ली एंड प्लान अ परफेक्ट शूट ऑफ दिल्ली विद वेरोनिका? सो actually we wanted to go to Delhi today only, this was our plan to, because now we are in Dubai, we wanted to stay here for a week and then go to Delhi for a week, but we can't do that because India doesn't want me there. That's not true. It's just ki abhi aap India as a tourist nahi travel kar sakte hain, aapko dusra visa lagwana padta hai, एंड वो मुझे पता नहीं था क्योंकि हमने पोलैंड में वीज़ा नहीं अप्लाई किया था, एंड मैंने सोचा था यहाँ दुबई में अप्लाई करूँगा, बट यहाँ दुबई आके पता लगा कि आप ऐसे वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते इफ़ यू डोंट हैव योर मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्टल। तो वेरोनिका को अनफॉर्चुनेटली वीज़ा नहीं मिला इंडिया का, तो वो प्लान हमारा अभी कैंसिल हो गया है, बट जनवरी में हम प्लान कर रहे हैं फिर से दिल्ली जाने का। ये आपके लिए मम्मी, व्हाट इज द जॉब ऑफ योर मॉम? मेरी तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, सबसे डिफिकल्ट जॉब है। हाँ, सबको मैंने ही तो इतना बड़ा किया है, इतने सबको इतना अच्छे सब चीजें, यही सबसे अच्छी जॉब। शी इज द बेस्ट हाउसवाइफ इफ यू वांट टू नो। अगला क्वेश्चन है, एज एन इंडियन पेरेंट आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब बच्चों को हमें साथ ही रहना चाहिए था? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चों को साथ में ही रहना है। ये हर समय हमारे साथ ही है, इंडिया में चार बार तो इंडिया आ जाता है साल में, वेरोनिका से भी डेली बात होती है, वेरोनिका भी आ जाती है, मतलब कभी लगा ही नहीं, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, डेली बात होती है फोन पे डेली, मतलब ये बच्चे इतना प्यार देते हैं कि हमें कभी लगता ही नहीं कि ये हमारे से बाहर है या हमारे पास नहीं है। ये बाहर है तो हम भी बाहर घूम पा रहे हैं। हाँ, ये भारत ही हमें घुमा रहे हैं, हमें इससे ज्यादा अच्छा और क्या है। ये चीज़ है कि आई थिंक एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं और वेरोनिका वीडियो कॉल पे बात नहीं करते, टू एंड थ्री टाइम मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप वेरोनिका से बात कैसे करते हो इंग्लिश में? कुछ ये हिंदी समझ लेती है, कुछ हम इंग्लिश समझ लेते हैं, और कुछ ईशान हमारी हेल्प कर देता है। वेरोनिका कैसे हो? मैं ठीक। ये देखिए एग्जांपल सामने है। वेरोनिका आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? वफ़ोस। So you can see, बहुत easily बात हो जाती है, they do understand a lot of English. Yeah, I think after, with time we are just learning how to communicate with each other, and I think it's getting easier and easier as I'm spending more time with them, and I listen to Hindi a lot, so I understand more. I can speak, but I understand more and more. Yeah. So yeah. And if she doesn't know anything, to me obviously translate कर देता हूँ. Your birthplace. मैं तो दिल्ली में बॉर्न हूँ, हम सारे दिल्ली में बॉर्न हैं। एंड वेरोनिका वाज वेयर वर यू बॉर्न? स्टैनका। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन पुणे। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। दिस क्वेश्चन इज कि आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते हो एंड आप कितने प्राउड हो? किसी माँ बाप के लिए ये कहलाना बड़ा उसे अच्छा लगता है कि ईशान हमारा बच्चा, मतलब हम ईशान के नाम से जाने जाते हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए और प्राउड की बात क्या हो सकती है कि ईशान के मम्मी पापा जा रहे हैं, या इससे कभी भी इसके फॉलोअर्स मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और वेरोनिका के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि ईशान के नाम से हम ईशान के मम्मी पापा कहलाए जाते हैं। और सारी वीडियो देखते हो? ए टू जेड, सबसे पहले रिपीट। तो हमारे टीवी पे चली रही है, हाँ टीवी पे हर टाइम चल रही होती है, फैक्ट्री में भी बिजनेस में भी चलती रहती है, और सब लोग पूछते रहते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ईशान, कहाँ जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। पूछे हैं कि आपकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज? हमारी अरेंज मैरिज। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन विद योर एल्डर ब्रदर? तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है,
पहले मेरा भाई यूएस रहता था, ही इज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट अब उसकी खुद की कंपनी है एंड नाउ मोस्ट प्रॉब्ली ही इज प्लानिंग टू मूव टू कनाडा. तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है एंड आई हैव अमेजिंग रिलेशंस विद हिम. ये आपसे पूछा गया है कि आपको मतलब क्या लगा था जब मैं, जैसे जो मैंने कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट किया था पहले पोलैंड में, उसमें फेल हो गया था मैं, तो मतलब उसके बाद मतलब आपकी क्या ओपिनियन थी उस पर? पास फेल तो जिंदगी का हिस्सा है. मैंने भी बिजनेस किए हैं स्टार्ट में, मैं भी फेल हुआ, उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की और हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी. तो हर फेलियर से आप कुछ सीखते हो, इज जस्ट यू हैव टू बी विलिंग टू जस्ट गेट बैक अप एंड डू समथिंग अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग हमेशा इतने सपोर्टिव रहे हो हर चीज़ के, वुड यू लाइक टू, मतलब आपको पोलैंड में सेटल होना कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा और मैं तो हर माँ बाप के लिए यही बोलूँगा, उन्हें हर बच्चे के लिए सपोर्टिव होना ही चाहिए. मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं लगेगा कि इंडियन कम्युनिटी नहीं है थोड़ी नहीं, सी नहीं, मेरे बच्चे जहाँ हैं मैं वहीं रह सकती हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट खाना क्या है? गोलगप्पे. मम्मी को मतलब कहीं भी जाओ, कल भी हमारा अटलांटिस में डिनर था, सबसे पहले मम्मी ने जाके गोलगप्पे खाए थे. डू योर पैन की आप वेरोनिका से पूछते हो कि मतलब बच्चे कब होंगे हमारे, एस टिपिकल सास ससुर. अभी तो ये खुद ही बच्चे हैं, अभी खुद ही बच्चे हैं, अभी अभी नहीं जी. स्कूल में मैं कैसा था, मेरे ग्रेड शैतान नोटी शैतान सबसे शरारती, मतलब मेरे पीटीएम पे जाने से इतना डर लगता था. मैं तो कभी गई ही नहीं इसकी पीटीएम पे आज तक, हमेशा कंप्लेंट. शैतान बच्चों में से हमारे बड़े बच्चे दोनों जितने शरीफ थे उतना ही, इसने पूरी कसर उन दोनों की इसने निकाली अकेले ने, बहुत शैतान था. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है आप एंड वेरोनिका कैसे मिले एंड योर फर्स्ट डेट. इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यहाँ भी आ रहा होगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू नो आवर लव स्टोरी. वट वॉज योर परसेंटेज इन टेंथ क्लास? मेरे टाइम पे परसेंटेज नहीं होती थी, सी जी पी ए होती थी एंड मेरी 8.2 सी जी पी ए थी. मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत गंदे ग्रेड आते थे, बट इट वॉज स्टिल डिसेंट. वाई यू चूज फॉरन गर्ल इंस्टेड ऑफ इंडियन? तो यार ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा कोई एक आंसर नहीं है, मैंने कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था कि मुझे फॉरेनर से शादी करनी है. इट्स जस्ट दैट आई मेट वेरोनिका, वी फेल इन लव. तो कोई भी और रीज़न नहीं था इसके अलावा कि मुझे इंडियन से नहीं करनी या फिर ऐसा कुछ नहीं था. गाइस आई होप यू रियली एंजॉयड दिस क्यू एंड ए. मैंने सोचा मैं आप लोगों के सारे आंसर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेंट करते रहते हैं. एंड गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, डू लेट मी नो इफ यू ऑल्सो लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज एंड मैं क्यू एंड ए और बनाऊँ फ्यूचर में या फिर नहीं. एंड इफ यू वॉन्ट दिस वीडियोज, कॉमेंट करना मत भूलना कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लविंग द कॉन्टेंट एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती एंड लोग कॉमेंट करते हैं कि उन्हें आजकल वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही. एंड वी ऑल विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वन.